पहुंचे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद के हवाले से। अदम एतमाद के दिन करीब आ रहे हैं या दिन हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 48 घंटे की कल जो है एक खुशखबरी देने का ऐलान किया था। उन 48 घंटों में से 24 घंटे तो गुजर गए हैं, तो क्या कल तक, और कहा था मौलाना ने कि 48 घंटों के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। 24 घंटे गुजर चुके हैं, बाकी 24 घंटे रह गए हैं, क्या वाकई कल तक तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से मूव की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये मूव ना हुई तो फिर जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस अहम तरीन बयानात के हवाले से, और सिर्फ मौलाना को ही नहीं पूरी की पूरी ऑपोजिशन, खासतौर पे पीडीएम को इन अल्टीमेटम के हवाले से जो है एक सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब ने, ऑपोजिशन ने जल्दबाजी में ऐलान कर दिया हो 48 घंटों का? क्योंकि कुछ नून लीग के सीनियर रहनुमा आज ये कहते हुए पाए गए हैं कि अदम एतमाद में ताखीर भी हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है वजीर आजम इमरान खान को कि वो इस्तीफा दे दे और घर चले जाएं। अब अपोजिशन बजाहिर लग रहा है, और क्या वाकई ऐसा ही है कि अपोजिशन कंफ्यूज लग रही है? कोई 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, कोई कह रहा है कि ताखीर हो सकती है, कोई कह रहा है जी 5 दिन का अल्टीमेटम है, कोई कह रहा है कि जी नंबर्स पूरे हो गए हैं, कोई कह रहा है जी हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 5 दिन के बाद नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो क्या अपोजिशन के अंदर अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है इतनी बड़ी और इतनी अहम मूव के हवाले से? और जितना टाइम दिया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, क्या इसमें हुकूमत, जो कि ऑपोजिशन की जाहिर सबसे बड़ी मुखालिफ फरीक है, उसको मजीद तैयारी का और मजीद मजबूत होने का वक्त नहीं मिल रहा? सबसे अहम सवाल, अदम एतमाद कब आ रही है, और क्या वाकई नंबर्स पूरे हो चुके हैं, और अगर इसमें ताखीर है तो वजह बाइसे ताखीर क्या है, और आगे का मंजरनामा क्या होगा? ये बहुत अहम तरीन सवालात हैं जो कि अवाम काफ़ी अरसे से, काफ़ी हफ्तों से, जब से अपोजिशन की हलचल स्टार्ट हुई है, इन सवालात के जवाब लेने के लिए बेचैन हैं। लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई सवालात, कोई वाज़े जवाब इन सवालात के नहीं आ रहे। मुलाकातों पर मुलाकातें चल रही हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मोनिस सिलाही से, जो कि काफलीग के बड़े मरकजी रहनुमा हैं और वफाकी काबिना में वजीर भी हैं, उनसे मुलाकात की है। पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला को इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जिसके बाद कुछ चहमगोइयां हो रही थी कि शायद वज़ीर आज़म उनसे कंसल्ट कर रहे होंगे, शायद चहमगोइयां के सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करने की अगर जरूरत पेश आए तो उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है। दूसरी तरफ अपोजिशन से मौलाना फजलुर रहमान साहब से आसिफ अली सरदारी साहब आज फिर मिले हैं, तो दोनों तरफ की मुलाकातें जो है वो बड़े उरूज पे हैं। लेकिन आगे मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद आएगी कब, कामयाब हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। और इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है, जहमत दी है, सीनियर काबिल एहतराम मौजिज़ सियासतदान हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था और कहा था 48 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी, 24 घंटे गुजर गए, क्या कल तहरीक अदम 24 घंटे रहते हैं जी? ना वो तो पर्चा दर्ज करा दे सर, ये तो आपने देखे, ये बातें ऐसी नहीं की जाती, महावरतम कहा जाता है, जल्दी हो जाएगा, ये मौलाना साहब ने कहा है। अगर उन्होंने वाकई कहा है कि 48 घंटे के अंदर ही होगा तो 48 घंटे के अंदर ही होगा, फिर 48 घंटे के अंदर अगर उन्होंने कहा है कि हाँ 48 घंटे में ही होगा, या महावरतन कहते हैं 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, ये नहीं जल्द हो जाएगा सर, ये मुहावरा इस किस्म का तो कोई कम से कम उर्दू जबान में मौजूद नहीं, खाल उखेड़ते रहे, बाल की खाल उखेड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यानी कि अपोजिशन डिफेंसिव हो रही है, यानी कि डिफेंसिव की जरूरत नहीं, यानी कि ताखीर है, नहीं ताखीर कोई नहीं है, अपने कल आ रही है तहरीक अदम एतमाद, अपने वक्त पे होती है, कल आ रही है तहरीक अदम एतमाद, मुझे इसके लिए नहीं है, आ सकती है या नहीं भी आ सकती, ये फैसला अपोजिशन को करने दें।
लेकिन सर मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सबरा वो अनाउंस कर चुके हैं, आप इसको मुहावरतन कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ उन्होंने कल ऐलान किया कि 48 घंटे में आप खुशखबरी सुनेंगे और 48 घंटों में ही तहरीक आदम एतमाद आ जाएगी, खुशखबरी आ जाएगी। 48 घंटे 24 घंटे इंतजार कर, 24 घंटे मजीद मतलब जुमे के दिन उसके बाद पर्चा दर्ज कराएंगे। नहीं सर, पर्चा तो आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं या गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ करा रहा है, बट जुमे के दिन में आ सकती है। अरे अल्लाह करम करेगा। अच्छा सर, रिक्विजिशन भेज दी गई है कौमी से, पहले रिक्विजिशन होती है उसके साथ ही आप अदम एतमाद या अदम एतमाद बाद में जमा कराते हैं। अच्छा, मुसविदा उसका आज ये भी खबर आ रही थी कि मुसविदा तैयार हो गया, साइन कर दिए, मुसविदा तैयार हो चुका है जी, मुसविदा भी तैयार है। मुसविदे पे क्या कुछ मतलब जी, वो बातें जब आएगा तो आप पढ़ लेंगे। सर इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इस वक्त असेंबली सेशन में तो नहीं है, आप लोग नो कॉन्फिडेंस मूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन सबमिट करवाते हैं जी, पहले आप पहले रिक्विजिशन करते हैं, इजलास तलब करते हैं, ठीक, फिर अगर आपने फिर आप अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं, ठीक, अगर वो असेंबली के सेशन में होने के दौरान जमा करवाई जाती है या उससे पहले, उससे पहले भी करवा सकते हैं सेक्रेटरी ऑफिस को जमा हो सकते हैं जी, ठीक है, और उसके बाद फिर स्पीकर बाउंड होता है, स्पीकर बाउंड होता है कि इजलास को बुलाए, ठीक, और इजलास के अगर स्पीकर के खिलाफ है तो 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर ऑफ द डे पे रखी जाती है, ठीक, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है तो 3 दिन के बाद ऑर्डर ऑफ द डे पे रखा जाता है, ठीक, और उसमें फिर तहरीक मूव की जाती है, ठीक, एडमिशन के लिए ये तहरीक एडमिट होगी या नहीं, उसमें अगर 20% कौमी असम्बली की रुकनीत ये कह दे कि खड़े होकर कि हम इसके हक में हैं कि मूव ये एडमिट हो, फिर वो एडमिट हो जाती है, फिर उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, 3 दिन से पहले वोट नहीं हो सकता, ठीक, और 7 दिन तीसरे दिन उसके एडमिसिबल होने पर वोटिंग होती एडमिट, है एडमिट होने के बाद, ठीक, 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं होगी और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं होगी, इन 3 और 7 दिन के दरमियान वोटिंग होती है, यानी कि मुकम्मल 1 हफ्ता होता है जी, मैक्सिमम 1 हफ्ता है, 3 दिन पहले हो गए, फिर 3 दिन 6 दिन मतलब 7वें दिन ओवरऑल जो है 7वें से 10वें दिन तक वोटिंग होती है। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि जिस दिन एडमिट हो जाए उसके अगले दिन भी वोटिंग हो जाए, नहीं कम से कम 3 दिन, उसके बाद भी 3 दिन का वक्त, जब एडमिट हो गई उसके बाद 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि फिर वक्त तो आपके हाथ से निकलता जा रहा है, फिर अदम एतमाद के दिन करीब नहीं बल्कि दिन हाथों से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। सर कितनी ताखीर आप लोग करना चाहते हैं, ताखीर कोई अंदाजा, ताखीर मोहतरमा किसको कहती हैं आप, सर कम से कम ये अदम एतमाद का एक प्रोसीजर है, उसके तकाजे हैं, वो पूरे किए जाते हैं, ये आईन का हिस्सा है, कौमी असेंबली के रूल्स का हिस्सा है, लेकिन सर जब तक आप वो रिक्विजिशन नहीं करेंगे तो उसके बाद अगला प्रोसेस मौका देते ना करने का, मैंने कहा ना कि अगर मौलाना साहब ने 48 घंटे का ही वादा कर दिया है तो 24 घंटे बाकी हैं, तो आप जो जुमे की शाम को पर्चा दर्ज करा दें, थाना करीब है आपके, थाना को सार यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, 5 दिन का टाइम वो उन्होंने दिया होगा, उन्होंने इस्तीफे कर दिया है कि अदम एतमाद से बचने के लिए इस्तीफा दे दें, आप एग्री करते हैं इस 5 दिन के अल्टीमेटम से? अल्टीमेटम दिए जाते हैं जी, अल्टीमेटम दे, ये सियासी बातें होती हैं, उन्होंने कर दिया। सर हुकूमत का ये मौकिफ है कि ताखीर इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके पास नंबर्स अभी तक पूरे नहीं हैं, और बिलावल भुट्टो ने भी आज यही कहा जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और बिलावल पहुंच रहे हैं 8 या 7 मार्च को, उन्होंने कहा तब तक नंबर्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं सर, नंबर्स पूरे हैं इस वक्त तक एज वी स्पीक नाउ, बिलावल साहब कह रहे हैं तो पूरे हो जाएंगे सर, पूरे आप भी कह रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बयान देना, बिलावल भुट्टो ने कह रहा हूँ कि पूरे हैं, नंबर्स का इशू नहीं है, नंबर्स मुकम्मल हैं और इत्तेहादियों को निकाल के भी नंबर्स मुकम्मल हैं, इत्तेहादियों को हमने दावत देना हमारा काम था, हमने दावत दे दी है, दावत कबूल करना या ना करना उनका काम है, लेकिन उसके बगैर नंबर्स पूरे हैं, अंदाजन 172 तो आपका गोल्डन नंबर है, कुछ इंशाल्लाह 185 इतने नंबर देखेंगे, 185 तक के नंबर शायद इससे भी ज्यादा हो, और सर कोई खतरा खदशा ये तो नहीं कि दाएं बाएं खिसकने वाले फोन कॉल्स वगैरह दिन तक, ये एक प्रोसेस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो आवाम का दबाव है किसी में हिम्मत होगी खिसकने की। सर मौलाना साहब ने तो कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट बाहर न्यूट्रल नजर आ रही है, आप इत्तेफाक करते हैं, अल्लाह करे मेरी भी दुआएं, इस वक्त तक आप समझते हैं कि मैं तो हमेशा न्यूट्रल समझता हूँ, क्योंकि आईन को तोड़ना मजाक नहीं होता,
तो अगर अदब एतमाद में इंटरफेरेंस होगी तो उसका फिर पूरे मुल्क पर असर होता है और फिर अवाम को जवाब देना पड़ता है। तो आज ये सब कुछ जो हो रहा है अवाम का दबाव है। अब सर, पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब हुई है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? जी 57 में हुई थी, वो 56 के आइन के तहत। 73 के बाद नहीं हुई, 1973 के आइन के बाद नहीं हुई, 73 के आइन में नहीं हुई, एक ही अदम एतमाद हुआ था 73 आइन के तहत, 89 में बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ। शौकत अजीज के खिलाफ भी आई थी एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन, मुझे याद नहीं है। शौकत अजीज साहब के खिलाफ मुझे याद नहीं है उसका। सिकंदर मिर्जा आई चंद्रगढ़, वो तो 73 के आइन से पहले हो गए। तो 73 के बाद इमरान खान पहले वजीर आजम होंगे जिनको अपोजिशन कामयाब होगी अदम एतमाद के जरिए। अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आज मुल्क के हालात है, ऐसे हालात भी कभी नहीं हुए जितने लोग आज तंग है। कम अज कम मैं 35 साल से सियासत में हूँ, मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। अभी रिलीफ तो काफी बड़ा दिया है उन्होंने, 10 रुपए की पेट्रोल और डीजल और बिजली 5 रुपए महंगाई होगी। सर हुकूमत यही तो कह रही है कि जब हम महंगा करते हैं तो भी आप लोग कहते हैं महंगाई, सस्ता करते हैं तो भी कहते हैं महंगाई। वो कहते हैं हम आपको समझा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि महंगाई किस तरह। समझा दें अवाम को, समझा दें ना, क्योंकि बाजार में तो महंगाई। सर, सस्ता करने से महंगाई कैसे बढ़ेगी? पेट्रोल डीजल को सस्ता करने से? जब आपने बजट में प्रोविजन ना किया हो तो आप मजीद कर्जे लेते हैं, आपके रुपये पे प्रेशर आता है, उससे मजीद महंगाई हो जाती है। ठीक, तो इसका हल क्या है फिर? रिलीफ किस तरह दिया जाए इस वक्त? आप रिलीफ आप दे नहीं सकते, आपने जो मईशत को तबाह कर दिया क्या रिलीफ देंगे? आप तो आईएमएफ से वायदा करके आए हैं, एक महीना नहीं हुआ आपने 750 अरब का बोझ डाला है वाम पे। 13 दिन पहले आप फरमा रहे थे कि दुनिया में तेल महंगा हो रहा है तो हमें भी महंगा करना है, तो 13 दिन में दुनिया में तेल सस्ता हो गया। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप मजीद कर्जे लेकर बर्दाश्त करेंगे। ठीक, कर्जे जब लेंगे तो सूद अदा करना पड़ेगा, उसके लिए मजीद कर्जा लेंगे, उससे अवाम पर बोझ पड़ेगा, उससे महंगाई होगी। ठीक, तो इसका हल क्या है? और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है सर, दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, या तो आप कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे। इन केस कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो भी नेक्स्ट आएगा, अपोजिशन ने आप लोगों ने कुछ सोचा तो होगा कि किस तरह रिलीफ देंगे और कितना इमीडिएटली रिलीफ देंगे आप लोग? इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं होता, ये बड़ी खाम ख्याली है। आप इस्तेहकाम देते हैं मईशत को, हमने ये पहले भी 3 दफा हमने ये काम किया है। हम जब भी आए हैं मईशत का बुरा हाल था, हमने इस्तेहकाम दिया, हमने ग्रोथ दी, हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाए, महंगाई को नीचे लाए और उससे मुल्क आगे चला। वो इस्तेहकाम किस तरह लाएंगे? आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट करेंगे? आप आईएमएफ से रीनेगोशिएट करते हैं, आप दीगर तरीकों से अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं, अपने बैरूनी ताल्लुकात ठीक करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके मुल्क में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी सीपेक था, आपने उसको बंद कर दिया, उसके असरात मुल्क में हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये इकट्ठी चलती हैं, एक मौजा नहीं होता रातों रात के हालात ठीक हो जाएंगे। आपको वो 16 घंटे की लोड शेडिंग भूल गई होगी जो 2013 में थी, बिल्कुल याद है जी, और उसमें 1.5 साल लगा था मुस्लिम लीग नून को कि कम से कम लोड शेडिंग पे आधा काबू पाने में। सर आधा नहीं, हमें 5 साल लगे थे सर, 1.5 साल हमने 5 साल लगे थे, 5 साल में हमने लोड शेडिंग अगले 15 साल के लिए खत्म कर दी। सर मैं तो ये गुजारिश कर रही हूँ ना कि 1.5 साल लगा था कि आपको कम से कम आप हाफ पे ले आए जो लोड शेडिंग 2013 में होती थी। इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी चार्जशीट और अवाम भी जो इस वक्त तंग है वो महंगाई से, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन से। तो आप लोग सर क्या प्रॉमिस दे रहे हैं अवाम को, प्लान क्या है? किसी मौजे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई मौजात नहीं होते। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अवाम की तकलीफ का एहसास करना पड़ता है, मुल्क को तरक्की देते हैं, मुल्क को इस्तेहकाम देते हैं, फिर ये हालात दुरुस्त होते हैं। कितना अरसा हमारा वो मुल्क है जिसकी आज हालत ये है कि आप अपने दिफाई खर्चात भी कर्जे लेकर पूरे कर रहे हैं। अपने मुल्क के हालात को देखें, उसके बाद मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए हालात को वक्त लगता है। सर यही गुफ्तगू तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते हैं कि मुश्किल फैसले मुझे मजबूरन करने पड़ रहे हैं, यही सब बात है। ये सारा हालात उन्होंने पैदा किए हैं। जो आदमी हालात खराब करता है कभी दुरुस्त नहीं कर सकता। आज तक कोई कदम इस हुकूमत नहीं ले सकी जिससे हालात की दुरुस्ती का असर नजर आता हो। यानी कि बतौर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, यू हैव बीन थ्रू दिस सिस्टम, इनटू दिस सिस्टम, यू नो हाउ टू फिक्स इट, यू नो हाउ रॉटन द सिस्टम कुड हैव रॉटन। नहीं है रॉटन, आप है रॉटन, हुकूमत होती है। अगर आपकी नीयत हो काम करने की, अगर आप करप्ट ना हो, अगर आप
सियासत को समझते हो, अवाम की एहसास हो, अगर अवाम के मैंडेट से आए हों तो आप मामलात को हल कर सकते हैं। तो सर बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो हम इमीडिएटली रिलीफ नहीं दे सकते, अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना अरसा अंदाजन कोई प्लान तो सर होगा ना? डेढ़ साल प्लान देते हैं आप, वक्त लगता है इन चीजों में। मैंने कहा कितना रातों रात मौजा नहीं होगा सर। आप साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, जब वज़ीर आज़म फिर बन गया तो मुझसे सवाल कर ले सर। साबिक वज़ीर आज़म के पास जवाब छह महीने लग जाएंगे रिलीफ देने में, ऐसे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है सर। फूड इन्फ्लेशन कितने अरसे में कम हो सकती है? फूड इन्फ्लेशन आप जल्दी कम कर सकते हैं, उसमें भी आपको छह महीने से एक साल लगेगा। छह महीने से जी, एक साल, क्योंकि जब क्रॉप्स को आप इनकरेज करेंगे, क्रॉप्स आपके अपने बेहतर होंगे। आज तो झूठ पे झूठ बोला जाता है, यानी इस हुकूमत ने कहा कि हमने 27 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है और उसके बाद आपने यूक्रेन से लिया और अब रूस से 2 मिलियन टन ले रहे हैं, गंदम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जमाने में 24 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ था जो रिकॉर्ड था, और उसमें से 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया गया। इसलिए जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे, आप इनकरेज करेंगे क्रॉप्स को, उनकी इनपुट्स को कम करेंगे, फिर जाकर ये फूड इन्फ्लेशन खत्म होगी। सर आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट करेगी जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी इंटरिम सेटअप आएगा या जो भी सेटअप आएगा, वो आपकी चॉइसेस हैं। आप आईएमएफ के पास जाएं या ना जाएं, आपकी चॉइस होती है। हर हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी उस पर बनाती है। आप आईएमएफ के पास जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ के प्लान को कंटिन्यू रखना मजबूरी होगी या उसमें से कोई वे आउट होगा? जी आईएमएफ का प्लान है कि हमें तो ये इल्म नहीं है, जो 750 अरब का बोझ डाला गया उसका तो हमें इल्म है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वादे किए गए हैं। अब आपने उन वादों को भी तोड़ दिया है, तो अब आईएमएफ आपको क्या करेगा ये वक्त बताएगा। सर अगर आप लोग मार्च में ले आते हैं और जितने आप तहरीक अदम एतमाद जितने आप लोग पूरे एतमाद हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो ये होगा ना प्रोपोजिशन के तौर पे कि बजट फिर आप लोग प्रेजेंट करेंगे या जो भी नया सेटअप आएगा वही बजट प्रेजेंट करेगा। बजट के सारे डेटा देखना पड़ेगा, ग्रोथ के नंबर्स देखने पड़ेंगे, मुल्क कहाँ पर खड़ा है, आपकी क्या मुश्किलात हैं, कि आप हुकूमतें जब होते हैं तो मालूम होता है। सर आज वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि 5.37 की जो हुकूमत की प्रोजेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। आप समझते हैं कि ये ठीक है 5.37 पे ही ग्रो किया होगा लास्ट फिस्कल ईयर में? हुकूमत की कौन सी प्रोजेक्शन दुरुस्त है? ये झूठ बोलने वाली हुकूमत है, इसलिए उस बात को छोड़ दें। मैं माजी की तरफ देखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आगे की तरफ देखने वाला आदमी। सर इस पूरे निजाम को, जो कि आपने कहा कि हुकूमत की खराबी और ना अहली की वजह से खराब हुआ है, इस सारे निजाम को ओवरहॉल करने में, ठीक करने में कितना टाइम दरकार होगा? देखिए ये जब आप हुकूमत में आएंगे, हालात का सही तरह से इल्म होगा, अभी तो सब झूठ पे मबनी है सारी बात, फिर आप उस पर तय कर सकते हैं कि कब तक हालात दुरुस्त होंगे। हालात पे बहुत सी चीजों का असर होता है, अपने अपने मुल्क के हालात का असर होता है, बैरूनी दबाव आते हैं, बैरूनी असरात आते हैं, उसके बाद आप करते हैं, लेकिन एक प्रोसेस तो शुरू हो ना मुल्क की बेहतरी का। आज वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सका, 4 साल से हर पैमाने पर आप जवाल वजीर हैं, आप उसको दुरुस्त नहीं कर सके। इसलिए अब वक्त है कि इसको इस्तेहकाम दिया जाए और वहां से आप दुरुस्तगी के अमल को शुरू करें। ठीक सर, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके चंद अहम कुछ मजीद और भी सवाल हैं वो करते हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सर क्या इस चीज पे अपोजिशन का इत्तेफाक हो सका है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कितने अरसे में हो जाएंगे? 6 महीने लगेंगे, साल या 1.5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए, और ये साइमल्टेनियसली मुल्क भर में होंगे या सिर्फ कौमी असम्बली के पहले करवाए जाएंगे? ये फैसले जो सियासी लीडरशिप है वो मुशावरत से करेगी। अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं, मैं राय आपको दे सकती हूँ। जी, मेरी राय ये है कि किसी नई हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इलेक्शन में जा सकते हैं, आईन इजाजत देता है, तो सीधे इलेक्शन में जाएं, क्योंकि जो हुकूमत बनेगी उसको बनाने की कोई मंतक नहीं है, कोई उसका मकसद नहीं है। तो आज वक्त की जरूरत यह है कि आप सीधे इलेक्शन में जाएं और आवाम से नया मैंडेट लें, वही बेहतरी का अमल शुरू करेगा। आज आज जरूरत एक नए मैंडेट की है, जो पुराना मैंडेट था वो चोरीशुदा था और उसी ने मुल्क को नुकसान दिया है। अब दूसरी बात सूबों की है, सूबे अगर वो आपने तोड़ने हैं तो तोड़ दें, नहीं तोड़ने तो ना तोड़ें, उनको रहने दें, कोई मकसद कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अपोजिशन इस पे फ्लेक्सिबल है? अपोजिशन की बात नहीं कर, मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ, मैंने इसलिए पहले गुंजाइश रख दी थी। अगर पर्चा दर्ज हो मुझ पर हो, पूरी अपोजिशन पे ना हो।
अपोजिशन पे इसकी क्या सोच है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें ये थी कि वो चाहते हैं सिर्फ कौमी असेंबली के हों, सिंध अपनी मुद्दत पूरी करें, सूबाई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी हो सकती है। जी मैं इसके हक में हूँ। और सर क्या आईन में ये भी गुंजाइश है कि एक सूबाई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे जबकि बाकी डिसॉल्व हो जाए? जी बिल्कुल, ये भी गुंजाइश, ये भी गुंजाइश, यानी कि साइमल्टेनियसली सारी प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व करना भी मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। आपने सबको इकट्ठे तोड़ना है, सिर्फ अगर उनकी मुद्दत इकट्ठी शुरू हुई है, बल्कि मुद्दत में भी थोड़ा फर्क होता है। जी बिल्कुल होता है। कब शुरू हुई है हुकूमतें, कब बनी है, सिर्फ चंद एक महीनों का होता है ना? नहीं, चंद महीनों का नहीं होता, चंद दिनों का होता है। लेकिन आप फर्क भी, आप आज एक सूबे की असेंबली तोड़ दें, उसका इलेक्शन हो जाएगा। तो सर कौमी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो एक इंटरिम सेटअप तो चाहिए होगा ना? इंटरिम सेटअप बन जाएगा। फिर वो कैसे बनता है सर? इंटरिम सेटअप जो आईन में है, पार्लियामेंट की ओर से, जैसे और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत से एक इंटरिम सेटअप बनता है, अगर वो ना हो तो ये ग्रे एरिया है आईन का, अदालत से आपको रजू करना पड़ेगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दैट केस फिर लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा? कोई भी नहीं होगा ना, जब अदम एतमाद हो जाएगा और कोई भी एतमाद का वोट नहीं लेगा, ये असेंबली 58-2 के तहत टूट जाएंगी, तो फिर ये ग्रे एरिया है आईन का कि फिर कौन किसकी मुशावरत से इंटरिम सेटअप बनेगा। तो वो आपको अदालत आलिया से रिजू करना पड़ेगा और वो इसकी तशरी कर देंगे। वो इंटरिम सेटअप एक न्यूट्रल सेटअप होता है, किसी को बना दें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें एक आसान तरीका ये होता है कि माजी में जो लोग रहे हैं उनमें से किसी को बना दें, जिस तरह जस्टिस मुल्क साहब थे जो पिछले दफा बने थे, उनको बना दें, किसी को एतराज नहीं होगा। या क्या ये प्रोविजन है या क्या ये गुंजाइश है कि जब तक नया कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक जो साबिक वजीर आजम है वही ओहदे पे बरकरार रहे? जी वो बरकरार रहते हैं, यानी कि तब तक इमरान खान वजीर आजम रहेंगे जब तक कोई नया वजीर आजम नहीं आ जाता। जी जी जी। और गवर्नमेंट के उमूर वही चलाते रहे? ये भी क्लैरिटी नहीं है कि अदम एतमाद से हटने वाला वजीर आजम उसकी क्या हैसियत होती है, क्योंकि अगर आपकी टर्म पूरी हो तो फिर तो आप रह सकते हैं। आईन इस पर भी थोड़ा वेग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान साहब ही बैठे रहे, उन्हीं से मुशावरत करेंगे, यानी कि फिर शहबाज शरीफ और इमरान खान मिलकर बैठेंगे, मुशावरत कर लें, मुशावरत के इंटरिम सेटअप क्या बनेगा? अभी तक तो मुशावरत की नहीं है उन्होंने कभी, शायद इस दफा कर लें। सर अपोजिशन की सोच क्या है या आपकी जाती राय क्या है कि आप लोग इमरान खान को तरीकादम एतमाद से अगर हटा देते हैं, दैट्स अ वेरी बिग इफ, तो आपकी राय में इमरान खान साहब क्या चुप करके घर चले जाएंगे, खामोश बैठ जाएंगे? नहीं, वो तो ऐलान कर चुके हैं। दो चॉइसेस होंगी, या अपोजिशन में बैठे और अगर असेंबली टूट जाती है तो इलेक्शन में जाएं, इसके अलावा तीसरी चॉइस है नहीं, क्योंकि वो उन्होंने वो ये भी कह चुके हैं कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। जी ठीक है, ये कर लें, ये तीसरी चॉइस है उनके पास। तो आप नहीं समझते कि मुल्क एक बहरानी सूरत हाल की तरफ, एक अनदेखी बुरान तो आज है मुल्क के अंदर, इमरान खान के हटने से कोई बुरान नहीं आएगा, बुरान खत्म होंगे, आप इलेक्शन में जाएंगे, इमरान खान साहब सड़कों पर फिरना चाहें तो सड़कों पर फिरना चाहें, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें इलेक्शन में हिस्सा ले लें, उनकी मर्जी है। और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो खत्ते की सूरत हाल है, खासतौर पर रशिया एंड यूक्रेन, खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी, दाखिली सलामती, ये सारी डिस्टेबिलिटी जो है, ये सारी इंस्टेबिलिटी जो है, ये मुल्क के फायदे में है सर? जी जो इस हुकूमत ने पैदा की है, अगर उसे और इदारे इसको अच्छा समझते हैं, आपकी इदारों की बात नहीं, इदारे चलते रहते हैं, मुल्क की सिक्योरिटी भी चलती रहती है, एक इंटरिम वज़ीर आज़म आ जाएगा वो चलाता रहेगा, तो मुल्क के मामला चलते रहते हैं, सिर्फ अवाम के मैंडेट की कमी है। आज जो आपके हालात खराब हैं ये बुनियादी तौर पर अवाम के मैंडेट की नफी की वजह से हैं, इस बात को हमें महसूस करना चाहिए और कबूल करना चाहिए। सर मुस्लिम लीग नून क्या तैयार होगी इन केस तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात से हो, क्योंकि सरदारी साहब मौलाना साहब तो कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ हमारी तरफ से वजीर आजम होंगे? नहीं, मैंने तो कहा है कि हम तो किसी इसके हक में ही नहीं है, कम अज कम मेरी राय ये है कि नई हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, आप सीधे इलेक्शन में जाएं। ये आपकी जाती राय है? ये मेरी जाती राय। मुस्लिम लीग नून की राय क्या है, सोच क्या? वो अभी मुशावरत होगी तो उस पर कोई राय, अभी होनी है मुशावरत, मुशावरत सर ये बहुत अहम इश्यूज हैं, ये अभी तक तय ही नहीं हुए, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। अच्छा अच्छा सर, मुस्लिम लीग काफ का मामला, एक तो वजीर आजम से मुलाकात हुई, फिर उसी दिन तारिक बशीर चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद तो डिस्कस ही नहीं हुई, आज वजीर आजम फिर उन्होंने मुलाकात कर ली मोनिस सिलाही से, मुस्लिम लीग काफ से कोई बार्गेन होना है या कोई बार्गेन होना बाकी रह गया है? की गुंजाइश नहीं है जी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, आज कहा है नहीं, वो मुफ्त में ना दें कोई कीमत नहीं अदा कर सकते, माजरत है हमें कीमत देकर वोट नहीं चाहिए, ये पुरानी और फसूदा सियासत है, इसने हमेशा मुल्क को नुकसान दिया है, तो काफ लीग अपने बयान आपस में मिला ले और जब एक वजीर आजम अपने एक वजीर को बुलाकर उसकी मिन्नतें करे उसकी हिमायत के लिए,
तो फिर आप खुद ही सोच लें कि मुल्क के हालात क्या होंगे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के साथ वजारत आला पंजाब के हवाले से कोई बातचीत कहीं पर पहुंची है? क्योंकि सर मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही बातचीत की गुंजाइश नहीं है। सर आपके रहनुमा है सीनियर राना सनाउल्ला, वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून में एक्सेप्टेंस है कि वजारत आला शबाज वो परवेज इलाही को दे दी जाए। वो देखिए राय है ना, उनकी राय है, मेरी राय है कि हमें ऐसे काम में नहीं। इसका मतलब है कि नून लीग में दो धड़े हैं, एक धड़ा राजी है परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब लीग में, कम से कम 84 धड़े तो सिर्फ कौमी असेंबली के अंदर है, 84 राय वहां पर मौजूद है, उसके अलावा सैकड़ों राय और मौजूद है, हर एक की राय है। मेरी राय ये है कि हतमी फैसला क्या है नून लीग का? फैसला जब विशावरत होगी उसके बाद मियां साहब हतमी फैसला कर देंगे। यानी कि इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ? किस बात पर? कि वजारत आला पंजाब का क्या? पंजाब का भी सुबह उसके अदम एतमाद हो ही नहीं रहा ना, वो तो बाद की बात है। और होगा वो देखा जाएगा अगर कौमी में कामयाब हो जाता है। अभी तो कौमी असेंबली की बात है, जब कौमी असेंबली गई तो पंजाब भी चला जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नून लीग के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे बात गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर क्या अपोजिशन अभी तक कंफ्यूज है? अपोजिशन के अंदर अभी तक फैसले नहीं हो पाए हैं? आप लोग अदम एतमाद का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं लेकिन लग रहा है बसाहिर कि अपने अंदर ही अपोजिशन की क्लैरिटी नहीं है। मौला फजल रहमान 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि जी 48 घंटों में आ जाएगी तरीके अदम एतमाद और खुशखबरी आ जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं जी 5 दिन का अल्टीमेटम है, वजीर आजम इस्तीफा दे दें। तो आप लोग अपने अंदर ही अभी तक तो यकसू नहीं हैं कि अदम एतमाद कब लानी है, अल्टीमेटम कितना देना है? शुक्रिया, गुजारिश है कि इस सारी जो हमारी गुफ्तगु अपोजिशन लीडर्स की है, उनकी स्टेटमेंट है, इसमें से आप कुछ प्रिज्यूम कर लें तो वो तो आपका राइट बनता है। आप कह सकते हैं आप कंफ्यूज हैं या आप और एक पेज पे नहीं है, दैट्स योर राइट। लेकिन हम ये वाजे करना चाहते हैं कि अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप वो इस बात पे बिल्कुल मुतफिक है कि हमने इस गवर्नमेंट को बजरिया वोट अपनों कॉन्फिडेंस रिमूव करना है जी। और उस पर हमारा टोटल कंसेंसस है और उसके लिए हमारी जो तैयारी थी वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और वो रिमूवल जो है वो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ये मोशन मूव हो जाएगा। चेयरमैन ने तो ये कहा कि बेहतर है कि आप रिजाइन कर जाएं ताकि नए इंतखाबात या नया लीडर ऑफ हाउस जो इलेक्ट होना है वो हो सके, अदरवाइज उनको ये डिफीट तो फेस करनी पड़ेगी, तो उस डिफीट के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। अपोजिशन के पास अपना नंबर बड़ा क्लियरली है। बाकी ये देखें कि आप डिस्कशन इसलिए रहती हैं कि ये कोई क्रिकेट की 2020 मैच तो नहीं है, ये कोई फील्डिंग फिक्स तो नहीं करनी। ऑब्वियसली इस मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला होना है, नए इंतखाबात का होना है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी डिस्कशन आएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से भी बात आएगी, तो ये सारी डिस्कशंस हैं और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी होती है, तो ये तो राइट पॉलिटिकल लीडरशिप का है को आपस में डिस्कस करें। और हम समझते हैं कि अभी ये कोई दिनों की बात है, कोई वीक्स की बात भी नहीं है। ये जो इत्तफाक हुआ है अपोजिशन की जमातों का नो कॉन्फिडेंस का, वो इंशाल्लाह उस पर अमल शुरू हो जाएगा। अब सर यानी कि 5 दिन का अल्टीमेटम तो आ गया, इस 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव होगी या इससे पहले भी हो सकती है? पहले भी हो सकती है। देखिए जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाए तो उसमें कोई कसगर नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर उसको रिजाइन न करे, ऐसी तो कोई कसगर नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि बलूचिस्तान में जब वो चीफ मिनिस्टर को हटाया गया तो नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुका था, तो उसने रिजाइन कर दिया था। वो तो आपके अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान में हुआ है जाम कमाल का, तो ऐसी कोई बार तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली कि नो कॉन्फिडेंस। हाँ ये बार जरूर है कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रेजोल्यूशन की एडवाइस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, अदम एतमाद जब मूव हो जाए तो उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती?
हाँ नहीं फिर तो देयर विल बी अ वोट फॉर इट ना। ठीक है सर, अदम एतमाद मूव करने के लिए प्रोसेस क्या है सर? सारा ये प्रोसेस भी सर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त असेंबली सेशन में तो नहीं है, तो पहले असेंबली का सेशन में आना जरूरी है, किस तरह से सारा प्रोसेस होता है सर? देखिए जी, वो असेंबली में सेशन में आना जरूरी भी नहीं है, जो मेरी जाती राय है, किसी का इस पर अपना डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन है कि अगर आप सेशन रिक्वजिशन करना चाहें या आप मूव करना चाहें, कोई बिल मूव करना चाहें, कोई अमेंडमेंट मूव करना चाहें, तो ये जरूरी है कि सेशन असेंबली सेशन में हो, तो तब कोई बिल मूव हो सकता है। इट इज नेवर मेंशन इन द रूल्स, कहीं भी नहीं है। ये जो पर्पज है, एक उसमें जरूर है कि जब मोशन मूव होता है नो कॉन्फिडेंस का, नॉट अर्लियर देन 3 days एंड नॉट लेटर देन 7 days इट कैन नॉट बी टेकन अप। ठीक है, तो ये मोशन ये जरूरी नहीं है कि सेशन इन सेशन हो तो नो कॉन्फिडेंस मूव किया जा सकता है, वरना तो उसकी तो सारी स्पिरिट ही मर जाए कि डिस्क्रिप्शन टोटल स्पीकर के पास या गवर्नमेंट के पास चली जाए। लेकिन रिक्वजिशन की भी ये प्रोविजन जो है कि उसमें एक टाइम फ्रेम भी है कि नॉट बियॉन्ड 14 days स्पीकर जो है वो इलेक्शन सेशन को बुला सकता है, क्योंकि फिर डिस्क्रिप्शन स्पीकर की है, गवर्नमेंट की नहीं है। जब रिक्वजिशन होता है तो 1/4 मेंबर कभी भी रिक्वजिशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है सर, मोशन जब मूव हो जाती है तो उसके बाद वोटिंग पर कितने दिनों के अंदर होना लाजमी है? देखिए जी, उसको इट कैन नॉट गो, देखे ना, विद इन 7 days उस मोशन को टेकअप होगा और फिर अनदर फ्यू डेज वुड बी गिवन फॉर वोट, यू नो। मोशन 3 दिन से पहले वो टेकअप नहीं हो सकता मोशन, और 7 दिन से बियॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक सर, इवन जब टेकअप होगा इट कैन बी अ वेरी नेक्स्ट डे, उस पे यू हैव टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, द रिक्वायर्ड नंबर इज टू बी प्रूव्ड। वहां पे उस मोशन पे आपको जो मूव करने वाले हैं, आपको वहां पे खड़े होके अपनी सीट्स पे यू हैव टू राइज इन योर सीट्स टू शो योर स्ट्रेंथ कि आपने ये मोशन मूव किया। अब सर, इस वक्त नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, स्ट्रेंथ की क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्योंकि बिलावल भुट्टो एक तरफ कह रहे हैं कि जी जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब तक पहुंचेंगे तब तक नंबर्स पूरे हो जाएंगे, जबकि बाकी ऑपोजिशन कह रही है कि इस वक्त तक हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, तो यहां पर कंफ्यूजन क्यों है सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने पहले भी कहा कि नंबर हमारे पास पूरे हैं और ये कहा बाय दैट क्योंकि वी आर श्योर अबाउट इट कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास वो जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज्यादा है, और चेयरमैन बिलावल ने जो कहा कि पूरे हो जाएंगे, तो क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो 57 हैं, बाकी 86 उनके पास हैं, तो नंबर जो स्ट्रेंथ है 162 आज भी हमारे पास है, तो वी नीड अनदर 10 11 पे मैं समझता हूँ कि हमारे पास अनदर 11 सर, क्योंकि 11. अली वजीर नहीं होंगे, अली वजीर नहीं है ना सर? अली वजीर इज अ मेंबर, लेकिन सर वो है नहीं ना, अगर वो सीट तो नहीं हुआ, अगर वो रिहाई हो जाए तो सर फिर आएंगे ना, अदरवाइज वो कैसे वोट करेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं रिहाई होंगी, इतना इम्पोर्टेंट इशू है, तो उनका उनका उनको बुलाया जाएगा ना, स्पीकर के ये इख्तियार है स्पीकर के पास, वील मूव फॉर दैट उनको असेंबली में लाया जाए, उनको ऐसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि सर वो तो है, लेकिन इससे पहले भी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते रहे ना, ये एक प्रेसिडेंट है ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। बट दिस विल बी अनदर बदनीति होगी स्पीकर की जात पे कि जो उनको नहीं बुलाएंगे, तो ठीक है ये उनका एक्ट बड़ा मलेशियस एक्ट होगा अगर वो अली वजीर को नहीं बुलाएंगे तो। ठीक है, अली वजीर आज भी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, वो ली सीट नहीं हुए सर, उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, जाहिर है वो एमएनए है, लेकिन सर प्रोडक्शन ऑर्डर का जाहिर है वो एमएनए है, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर का उनका मसला है ना, सो इन दैट केस ऑपोजिशन नीड्स 11 टू बी सेफ, टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट इन केस प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो नहीं आते, सो 11 नंबर्स आपको, वी हैव गॉट मच मोर देन दैट, मच मोर, वी हैव गॉट मच मोर देन दैट। कितने सर, मच मोर कितने? जी रिक्वायर्ड नंबर आपकी कैलकुलेशन कहती है 11, तो हमारे पास 11 से बहुत ज्यादा है सर। कितने ज्यादा हैं आपके पास बता दें, 180 हैं, 185 हैं, 190 हैं, कितने नंबर्स हैं आपके पास इस वक्त तक सर? देखिए जी, फ्रॉम
विद इन पीटीआई के जो 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 डिफेक्शन जिनके बारे में कहते हैं जो जो डिसएग्रीमेंट में है पीटीआई की लीडरशिप से, दैट रेंजेस फ्रॉम 20 to 25 पीपल. 22-25. So opposition is on a safer side apparently. तो फिर सर ताखिर के किस वजह से है? अगर ये नहीं, opposition on a safer side. अगर वांस भी जब हम डिक्लेयर करेंगे तो जो उनके अलाइज है दे विल आल्सो ज्वाइन अस इंशाल्लाह. अच्छा सर, इस वक्त तो मुस्लिम लीग काफ जो है, सर मुस्लिम लीग काफ के स्टेटस के बारे में खासतौर पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह की उनकी चीजें सामने आ रही हैं, ना इधर हैं ना उधर हैं, उनके स्टेटस के बारे में आप क्या कहेंगे? और बिलावल ने तो आज कह दिया कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी. सर ये तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है फिर? इट इज नॉट एन हॉर्स ट्रेडिंग. ये जो अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, व्हाट इज दैट? जो गवर्नमेंट्स बनती हैं जब सिंगल पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसमें और कंप्लीट सिंपल मेजोरिटी जिसके पास नहीं होती है, तो वो बाकियों को साथ में लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? ऑस्ट्रेलिंग कहेंगे सर, इस उसको अलायंस कहेंगे सर? इस वक्त तो वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं ना, आप उनको तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को देखकर लीव इट एट एनी टाइम. दिस इज अ सेपरेट नोशन ना. ये वो तो किसी वक्त भी ये कहीं लिखा हुआ है कि वो किसी स्टेज पे गवर्नमेंट से अलहदा नहीं हो सकेंगी. इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ? ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जब हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस को छोड़ दे ऑपोजिशन के साथ आ जाए. लेकिन जब पीपल्स पार्टी कीमत की बात कर रही है तो फिर हुकूमत भी इल्जाम यही लगाती है कि जरदारी साहब जेब में पैसे रख के जो है खरीद कीमत इन सेंस, मतलब आप 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 इसको स्ट्रिक्टो सेंसोस में ना लेंगे कि कोई ब्राइब की बात है. बात यह है कि अगर इफ देयर इज अ डिमांड, अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हमारी लीडरशिप जरूर देखेगी उसको फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और ऑफ डेमोक्रेसी. उनको अकोमोडेट करना पड़ा तो अकोमोडेट करेगी अपोजिशन. लेकिन जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की उनकी खबरें जो कुछ सर्कुलेट हो रही हैं, सब वो तो पीएमएलएन से ज्यादा एसोसिएट करती है. और अभी आपसे पहले शायद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ थे, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले पे. वो कहते कि जी कोई कीमत नहीं हम अदा कर सकते, यहां पे कोई सौदा नहीं हो सकता, जिसको आना है अपनी फ्री विल पे आए हमारे साथ. सो पीपल्स पार्टी क्या किसी पोजिशन में है कि काफ लीग की किसी रिक्वायरमेंट को देख सके या अकोमोडेट कर सके? देखें जी, ये बात यह है कि अल्टीमेट डिसीजन जो है ना शाह खान अब्बासी ने करना है ना मैंने करना है. अल्टीमेट डिसीजन मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, जो बाकी पार्टी हेड्स हैं, उन्होंने करना है. तो यानी कि सर पीपल्स पार्टी में फ्लेक्सिबिलिटी है रिगार्डिंग पीएमएल क्यू या उनकी रिक्वायरमेंट या उनको अकोमोडेट करने के लिए? देखें जी, वेन यू रिक्वायर देम, जब आप उनको आपको उनकी जरूरत है तो आप बिल्कुल ये उसके प्रॉस कॉन्स को तो आप जरूर देखेंगे. लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी तक वो बहुत क्लियर हेडेड सामने नहीं आए कि वेदर वो गवर्नमेंट में रहेंगे या अपोजिशन का साथ देंगे. उसके लिए मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि जो नंबर हमारा व्हेन वी क्रॉस 172 अल्टीमेटली, मैं समझता हूं कि जब उनको ये यकीन आ जाएगा कि इनको 172 से ज्यादा है तो दे विल ज्वाइन अस. ठीक ठीक सर, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या इस चीज पर भी कोई डिसीजन हो चुका है कि इनकेस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या होना है? मुल्क भर में साइमल्टेनियसली एक साथ इलेक्शन होंगे, सिर्फ कौमी के होंगे या प्रोविंशियल असेंबलीज भी सारी इंक्लूडिंग सिंध असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी? देखिए, दिस डिपेंड्स के जो रिजल्ट्स आपके आते हैं नो कॉन्फिडेंस के, और उसके बाद लीडरशिप बैठ के डिसाइड कर सकती है. ये कहीं भी आईन में दर्ज नहीं है कि अगर नेशनल असेंबली नो कॉन्फिडेंस हो जाता है या उसकी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाती है तो जरूरी नहीं कि बाकी असेंबलियां भी तोड़ दी जाएं. लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल जो डिस्कशन है उसमें देखा जाएगा लीडरशिप की कहां कहां क्या क्या जरूरत है और क्या चीज बेनिफिशियल है फॉर फर्दर इलेक्शंस. ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर डिसाइड कर लेगी. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के. बहुत से अहम सवाल तहरीक आदम एतमाद के हवाले से, होगा क्या, आएगी कब, इन सब का जवाब दे रहे थे. ये था आज का प्रोग्राम. आई सी कमिंग वीक इंशाल्लाह ऑन मंडे. अल्लाह हाफिज़.